हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी मज़े में हैं। वीडियो है सैटरडे का, बिल्कुल सुबह से ही मैंने शुरू किया है। तो सुबह में हम लोगों ने जो है एक तरह से समझिए फ्रिज खाली अभियान किया था। जो भी फ्रूट्स थे वो सबका मिला के मिक्स जूस बना दिया था, क्योंकि संडे को ना यूजुअली शर्मा जी और मैं मार्केट जाते हैं तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी, फल या बच्चों के टिफिन के हिसाब से थोड़ा स्नैक, चाय वाय के हिसाब से जो भी रहता है वो हफ्ते भर का थोड़ा बहुत सामान लेकर आते हैं। तो अब कल जाना ही था तो इसलिए जो फ्रूट थे वो हम लोगों ने ख़त्म करके फ्रिज को साफ कर लिया। मैंने एक्स्ट्रा ड्राई किए थे, सभी लोग काम पे लगे हुए हैं। खुशू जो है वह कपड़े सुखा रही है, शर्मा जी मुझे प्याज वगैरह चॉप करके दे रहे हैं, मैं है ना बेसिकली पनीर के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब लोग को बहुत पसंद है आलू के पराठे, पनीर के पराठे, गोभी मूली के पराठे, तो सब लोग बहुत चाव से खा लेते हैं। मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं, छुट्टी का दिन है, सुबह सुबह मज़ा आ जाएगा स्टफ़ पराठे खाने में। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि प्याज मुझे बारीक चॉप करके दे दो, उनको नाइफ से बारीक चॉप करना नहीं होता, तो उन्होंने पहले चॉप करी, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा ये मोटी है, तो फिर जो मैनुअल चॉपर है उसमें डालकर उन्होंने बारीक चॉप कर दी। मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ और शर्मा जी प्याज भी, और बाकी जो सामान मैंने उन्हें चॉप करने के लिए दिया था ना उस सबको जितना बारीक हो सके उतना बारीक करने में लगे हुए हैं। साथ मिलकर काम कितनी जल्दी हो जाता है पता ही नहीं चलता। काम तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन बातें बातें होती रहती है ना, तो एक घंटे का काम लगता है जैसे आधे घंटे में ही हो गया हो। आटा मेरा लग चुका है और ये बिल्कुल बारीक प्याज और धनिया मिर्ची मिला करके हस्बैंड ने काट दिए हैं। पनीर मैंने ग्रेट कर लिया था, ऐड कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, और उसके बाद फिर जो रेगुलर मसाले रहते हैं वो, जिसमें है थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये एकदम ही बारीक बारीक कटी हुई जो है प्याज है, और इसमें मिर्ची और धनिया दोनों ही साथ में हस्बैंड ने मैनुअल चॉपर में चॉप कर दिया था। ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी। पनीर के पराठे की ना पहले भी रेसिपी में दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा ना मसाले का वेरिएशन किया था जिससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आया था। मतलब थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा पाव भाजी मसाला डालकर देखना, इतने अमेजिंग पराठे बनते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और ये थोड़ा सा पनीर है, नहीं ये थोड़ा सा चीज़ है, ये अमूल वाला मोज़रेला वाला चीज़ है जो पिज़्ज़ा में डालते हैं, वो मैंने निकाल के रखा था क्योंकि सानवी खुशी को ना उनका जो पनीर का पराठा है वो विद चीज़ ज़्यादा पसंद आता है। मैंने उन्हें ऑप्शन दिया था कि पनीर का पराठा बना रही हूँ तुम चीज़ वाला खाओगे क्या, तो बोथ फॉर लाइक कि हाँ मम्मा चीज़ वाला। तो मैं रखती हूँ फ्रीज़र के अंदर चीज़, तो वो बिल्कुल ही सॉलिड रहता है, इसलिए पहले ही निकाल के बाहर रख दिया जिससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और पराठे में स्टफ़ करना आसान हो जाए। बस पराठे को जिस तरह भर के बेलते हैं ऐसे आप बना लीजिए। पनीर बहुत अच्छी तरह से बिहेव करता है किसी भी चीज़ में, आप उसका स्टफ़ पराठा बनाना चाहें या कोई और भी रेसिपी बनाना चाहें, मिठाइयाँ बनाना चाहें, यूजुअली अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं। और चीज़ वाला पराठा बनाने के लिए देखिए चीज़ में थोड़ा सॉल्ट पहले से ही रहता है, इसलिए मैं अलग से कुछ भी मसाले नहीं कर रही हूँ। मैंने थोड़ी सी पनीर की स्टफिंग ऐड करी है और फिर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर दिया है। चीज़ काफ़ी देर से बाहर ही रखा है तो सॉफ्ट हो गया है, और बस इसे जैसे स्टफ़ करके बंद कर लेते हैं पराठा। और मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा हाथ से फील करके देखें पराठे को ना, हाथ से पहले उसे फैला लीजिए, सब तरफ स्टफिंग चली जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कैसा पराठा बन रहा है। फिर उसे बाद में थोड़ा सा बेलन चला दीजिए, एकदम शुरू से बेलन करते हैं ना तो स्टफिंग इधर उधर हो जाती है, पूरे पराठे में यूनिफॉर्मली नहीं फैलती और फिर फटने भी लगता है पराठा।
और मैं बना रही हूँ एकदम ही हैवी ड्यूटी पराठे, मतलब मोटे और बड़े पराठे को हैवी ड्यूटी पराठे बोलते हैं मेरे घर में। एक एक पराठा ही बना था पर इतना मज़ेदार, एकदम आत्मा तृप्त टाइप का पराठा बना था। जो पनीर प्लस चीज़ वाला पराठा है ना, ये तो फूलता भी अच्छी तरह से, क्योंकि इसकी परत में बिल्कुल पतली नहीं बेलती, एकदम पतला पतला बेल देंगे ना तो फिर चीज़ पकाते पकाते निकल आता है, फिर काला पीला सा हो जाएगा पराठा, जल जाता है चीज़। इसलिए हल्की सी परत इसकी मोटी रखते हैं तो ये बहुत बढ़िया फूलता भी है। ट्राई करना, आपके घर में बच्चे हैं ना, वैसे तो बड़े लोगों को भी चीज़ बहुत अच्छा लगता है। आप चीज़ लवर हैं तो अपने लिए बनाइए, घर में बच्चे हैं तो उनके लिए बनाइए, पसंद ज़रूर आएगा। और ये है ना थोड़ी चने की दाल है जो मैं सोक कर रही हूँ। दाल नहीं बनाऊँगी, चना दाल पुलाव बनाऊँगी मैं, बहुत अच्छा बनता है वो और बहुत जल्दी से बन जाता है। तो अभी हम लोगों ने वैसे भी आज जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा लेट ही हुआ था, आज सैटरडे है तो छुट्टी सोच कर थोड़ा देर से ही जागना होता है, और सैटरडे संडे मेरा ऐसा होता है कि जो ब्रेकफास्ट है वो भी शिफ्ट हो जाता है, और लंच या तो शिफ्ट हो जाता है लाइक इट बिकम्स अर्ली डिनर, या तो फिर स्किप ही हो जाता है, हम लोग बीच में कुछ ऐसा वैसा खा लेते हैं। जो पराठे थे वो हम लोगों ने खाए थे मम्मी वाले अचार के साथ, तो उसके बाद चाय नहीं हुआ। मैं जल्दी ही चली गई थी शावर लेने के लिए, मुझे बाल धोने थे आज बेसिकली, और सानवी किशन ने एक दूसरे के बालों में तेल वेल लगाया है, वो थोड़ा शाम में बाल धोएंगी जब उनको तेल लगा के बाल धोना होता। एक तो वो तेल नहीं लगाती, मैं बहुत 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 उनके पीछे बोलती हूँ तब कहीं जाकर वो लोग तेल लगाते, उन्हें पसंद ही नहीं है तेल लगाना, तेल की फील। मेरी मम्मी मेरे बालों में यूं यूं करती थी ना, मैं सो जाती थी, और उनके बालों में कोई यूं यूं करे वो इरिटेट होते हैं, पता नहीं कैसे बच्चे हैं। और चना दाल पुलाव में बहुत सारा चना दाल नहीं डलता, ये देखिए बहुत थोड़ा सा है, इसको बस मैं अभी सोक करने रख दूँगी, आधे एक घंटे में दिख भी नहीं रहा ठीक से, आधे एक घंटे में सोक हो जाएगा, उसके बाद मैं आके पुलाव कर दूँगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा उसमें। ऑल्सो क्या बोलते हैं, चाय नहीं हूँ हमारा, बेसिकली वही मैं बोल रही थी, मैं चाय बनाऊँगी अभी, मेरा बहुत ज़ोर से मन कर रहा है चाय पीने का, और हस्बैंड भी बोल रहे हैं, वो बैठे हुए हैं अंदर, शानो खुशी बैठे हुए हैं अपने रूम में, वो थोड़ा होमवर्क वगैरह अपना कंप्लीट कर रहे हैं। इसके ढक्कन है ना दो लग जाते हैं, फिर तीसरा क्लिप लगता ही नहीं, तो मैं बस फटाफट से चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे, उसके बाद आज के लिए मैंने अभी तक तो कोई काम जोड़ा नहीं है, देखते हैं। मैं सोच रही हूँ डिश वॉशर को मैं थॉरो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त हुआ, उसे भी थॉरोली क्लीन करने की ज़रूरत है। और आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये सानवी खुशी के रूम का अरोमा डिफ्यूज़र है, ये रात को शर्मा जी ने यहाँ लगाया था, और वैसे ये बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है, 50 बार मैं भी सोच चुकी हूँ कि यहाँ पर ये रख दूँ, ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, बट इसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक स्विच है जिसमें ये चला जाता है वाटर प्योरीफायर, एंड देन यहाँ दो हैं तो एक गैस के लिए और एक चिमनी के लिए हो जाता है, तो ये जब ये दोनों निकाल दो, मतलब इनमें से, मतलब जब कुकिंग नहीं हो रही है तभी इसको लगाया जा सकता है, तो इस तरह से नॉन फंक्शनल है, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली नॉन फंक्शनल। शर्मा जी वहाँ से उठा के यहाँ लगा देते हैं, मैं फिर यहाँ से ले जाके वहाँ रख देती हूँ, बिकॉज़ वहाँ उसका ज़्यादा पर्पस है, बट यहाँ पे भी ना अच्छा लगता है। मैं सोचूँ नेक्स्ट वाले किचन में शायद मैं एक अरोमा डिफ्यूज़र रखूँगी। और हाँ, इस बात मुझे एक बात याद आ रही है, मुझे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि आपके घर में जितने भी अरोमा डिफ्यूज़र्स हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं कि वो कैंडल वाले हैं, तो मैं आपको सच्ची एकदम ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे घर में पहले जो थे वो सब या तो दिया या तो कैंडल वाले थे, बट क्या होता है, एक तो गिर के टूट गया था, खुशी को उससे चोट लग गई थी, उसके बाद मेरे पास एक दिया वाला बचा है तो उसको तो मैं रखती हूँ, और ये दो और रखे हैं कैंडल वाले, बट मैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करती, वो इसलिए कि जो कैंडल है उसकी लाइफ जितनी है बस उतनी ही देर वो अरोमा डिफ्यूज़र वर्क करता है, वो यूजुअली छोटा ड्यूरेशन रहता है, और मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। मैं कभी कभी तो स्पेशली तो बेडरूम वाला कई घंटे ऑन रहता है, बाहर वाले रूम का भी मैं काफ़ी घंटे ऑन रखती हूँ, तो इसलिए मैंने उन सबको रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिसिटी वाले से, तो उससे क्या है कि जितनी देर आप ऑन रखना चाहें वो ऑन रहता है, और ये चीज़ है ना बहुत माइल्ड खुशबू देते हैं, आप चला के रख सकते हो, कैंडल वाला फिर वो बार बार हैसल होती है, इसलिए अभी कैंडल वाला मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और बात करते करते मुझे आइडिया आया कि जो मेरे पास रखा हुआ है, जो मैं कैंडल वाला यूज़ नहीं करती, वो यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ ये ले लो, वो एक बार अच्छा वाला बिस्किट भी मिला था, वो कौन सा था, यहीं से लिया था मैंने। पता
पता है जब मैं चाय बनाने लगी थी ना, तो शर्मा जी अंदर पापा मम्मी से बात कर रहे थे, उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग घर से निकले हैं, थोड़ा काम था उनको, फिर वो आते हुए हमारे पास होकर आएंगे। तो उन्होंने कहा था आधे पौने घंटे में हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने जो चाय चढ़ाई थी फिर मैंने वो पकाई नहीं, दूध ही उबाल के रख दिया था। वी वर वेटिंग कि मम्मी पापा आएंगे तो बस अब उन्हीं के साथ बैठ करके आराम से चाय पियेंगे। थोड़ा सामान लेने के लिए शर्मा जी और मैं मार्केट गए थे, घर आके थोड़ा बहुत सामान वामान जगह पर रखा, रूम ठीक किया, और उसके बाद फिर मम्मी पापा आ गए थे तो उन्हीं के साथ हम लोगों ने चाय पी। और ये है वो वाला अरोमा डिफ्यूज़र जिसमें मैं कैंडल लगाती हूँ, इसके अंदर दिया नहीं जाता, थोड़ा छोटा है इसका कैविटी। तो ये ना दो थे, पता नहीं दो का सेट ही था या मैंने आइडेंटिकल दो मंगाए थे, क्लियरली अभी याद नहीं है। तो एक है ना, मैं पहले सानवी खुशी के रूम में रखती थी, वो ऐसे गिरा था, मतलब खुशी चल रही थी तो उससे टक्कर खा के वो गिर गया और उसके पैर में ही गिर गया, तो उसको बहुत ज़ोर से चोट लग गई थी। फिर मैंने इसको हटा करके रख दिया था, एक जो था। अभी ये एक आपसे बात करते करते मुझे याद आया तो मैंने किचन में लगा लिया है, सुंदर लग रहा है। और इसकी कैविटी थोड़ी सी डीप है तो काफ़ी देर तक चलता है, काफ़ी देर भी क्या चलता है, जितनी देर कैंडल चलती है उतनी ही देर चलता है। मम्मी पापा आए थे, उनके साथ हम लोगों ने चाय वाय पी, बातें बातें करी, फिर वो जाना चाह रहे थे तो शर्मा जी ने कहा कि नहीं रुको, चलो हम मूवी देखेंगे, आपने ये मूवी भी नहीं देखी, वो मूवी भी नहीं देखी। फिर वो लोग सभी मूवी देखने लग गए, डिनर का टाइम हो चुका था, मैंने बोला चलो आप सभी बैठो, मैं खाना बनाती हूँ, बहुत अच्छी वाली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसके बाद इसमें तीन टमाटर इस तरह काट करके आप देखिए किस तरह मैंने प्लेस किए हैं, नमक डाल करके इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दीजिए। टमाटर वाला पनीर बन रहा है, बहुत ही बढ़िया रेसिपी, आप ट्राई करना। ये कुछ एक आलू हैं जो मैंने छील लिए हैं, धुल लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं, और इसको इस तरह से बड़े बड़े चंक्स में काट लेंगे। आपके पास इससे थोड़े और छोटे आलू हो तो दो टुकड़ों में काटिए, बिल्कुल छोटे आलू हैं तो होल रखिएगा। दही वाले आलू अमेजिंग रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छे बनते हैं, बट आप आपकी मर्ज़ी का ऑयल ले सकते हो, घी भी ले सकते हो। मस्टर्ड ऑयल अच्छे से स्मोक हो गया था तो फिर उसमें मैंने वो कच्चे ही आलू पकने के लिए रख दिए हैं। थोड़ा से पुलाव भी करूँगी मैं, तो इसके लिए जो चावल है वो धुलकर सोख करने रख दिया है। यहाँ टमाटर देख लेंगे, 5-1 मिनट हो गई है इसे, ढक्कन मैंने खोला है, टमाटर का जूस निकलने लगा है और इसके जो छिलके हैं वो आसानी से इस तरह हट जाएंगे, तो सारे के सारे छिलके हटा लेंगे। और क्योंकि ये पनीर टमाटर वाला है ना, तो इसमें टमाटर का डोमिनेटिंग टेस्ट तो होगा ही और टमाटर बेस्ड ही ग्रेवी रहेगी, तो उस हिसाब से थोड़े से ज़्यादा टमाटर लीजिएगा। ये टमाटर इस वक्त तक अच्छी तरह से पक भी जाएंगे, तो आपने देखा कैसे मैंने इसे कढ़ाई में सॉर्ट ऑफ चॉप कर दिया, इसको बिल्कुल मैश कर देना है। ये जो टमेटोज़ है ना, इसका ग्रेवी करेंगे, तो ऐड करेंगे इसमें एक बे लीफ इस तरह टुकड़ा करके, इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, थोड़ी सी हींग, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ज़रूर डालिएगा, थोड़ी सी कसूरी मेथी और कोई भी इंस्टेंट ग्रेवी मिक्स हो या करी पाउडर है एक चम्मच वो डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए, भून लीजिए और थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे पानी। उससे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी
मिर्ची थोड़ा सा भूनने के बाद पानी ऐड करेंगे। मैंने है ना इसमें हींग डाली थी बिकॉज़ मेरी सासू मॉम लहसुन नहीं खाती हैं, बट आप ना इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालिएगा, हींग मत डालिएगा। जिंजर गार्लिक के पेस्ट से और भी बढ़िया स्वाद आता है। ऐड करूँगी मैं इसमें थोड़ा स्वाद के हिसाब से नमक, टमाटर भूनते हुए नमक डाला था तो नमक थोड़ा हिसाब से, छोटा छोटा कटा हुआ पनीर, अगर आपको बड़े चंक्स अच्छे लगते हैं तो बड़े चंक्स काट करके पनीर ऐड कीजिएगा। कच्चा ही पनीर डालें, फ्राइड इसमें अच्छा नहीं लगता है। मिक्स कर लीजिए पनीर को ग्रेवी के अंदर और ढक्कन लगा के पकने दीजिए। 4-5 मिनट इसे पकने दें स्लो फ्लेम पे। यहाँ पे आलू मेरे फ्राई हो चुके थे, बचा हुआ जो ये तेल है ना इसके अंदर इसकी ग्रेवी करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 सूखी लाल मिर्च, सिनेमन का टुकड़ा, बे लीफ तोड़ करके इस तरह ऐड कर दिया है। ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा ज़ीरा एंड थोड़ा सा हींग। अगेन आप गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड कीजिएगा, हींग मत ऐड कीजिएगा, उसका बेटर टेस्ट आता है। फिर ये बारीक कटे हुए प्याज, 2 प्याज थे एकदम बारीक बारीक, मैंने चॉप करके ऐड कर दिए हैं और अभी इसको भूनेंगे। प्याज थोड़ा जल्दी पक जाए इसके लिए मैं थोड़ा नमक यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। क्योंकि ये दही वाले आलू है ना तो ग्रेवी बेस के लिए दही का मसाला तैयार कर लेते हैं। फेटा हुआ 1/2 कप दही है, इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, कश्मीरी रेड चिलीज पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। बस आपको ध्यान ही रखना है कि दही बिल्कुल अच्छी तरह फेट करके एकदम क्रीमी कर लीजिए, इसमें दही के दाने दाने से ना रहें। प्याज अच्छे से भुन गया है तो ऐड किया है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जिंजर। आपको ये जिंजर ऐड करने की ज़रूरत नहीं अगर आप बिगिनिंग में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं तो। प्याज अच्छे से भुन जाने के बाद अच्छे से फेटा हुआ दही का जो मिक्स है, दही मसाला मिक्स, वो ऐड कर दीजिए। क्लिप मैंने बिल्कुल काटी नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छी तरह से फेटे हुए दही से दही कभी भी कढ़ाई में जाके कर्डल नहीं होता है, बहुत ही अच्छा सा इसका ग्रेवी बेस बनता है। दही भुनती जाएगी और उसके अंदर का जो घी कॉन्टेंट है वो रिलीज़ होता चला जाएगा। आपको जैसे ही इस तरह तेल दिखने लगे ऐड कीजिए थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी, हाथ से ऐसे रफली क्रश करके मिक्स कर लीजिए। मसाला भूनते रहिए, जितना अच्छा भुनेगा उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा छोले मसाला, थोड़ा सा अनयूजुअल है आलू की ग्रेवी में बट टेस्ट एंड खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे। मसाला बढ़िया भुन जाएगा तब आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए फ्राई किए हुए आलू। ये आलू फ्राई होते होते ऑलमोस्ट 85-90% डन हो चुके हैं तो इन्हें अभी पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आलू मैंने कच्चे ही लिए थे। कटोरी में थोड़ा दही का मसाला बाकी था तो वो भी मैंने डाइल्यूट करके ऐड कर दिया है। थोड़ा और पानी, लाइक जैसा आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी रखिएगा। हम पूरी के साथ खाने वाले हैं तो उस हिसाब से मैंने इतना पानी डाला है। नमक डाल करके इसे पकने रखिए। मैंने जो चना दाल सोख करी थी ना उसका पुलाव बनाने का प्रोग्राम भी पोस्टपोन कर दिया था कि मम्मी पापा आएंगे अब तभी बनाऊंगी साथ में। तो मैंने ना कुकर में बनाना है पुलाव और डाल रही हूँ इसके अंदर शाहजीरा। पुलाव में शाहजीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो नॉर्मल ज़ीरा ऐड करें। और जब ज़ीरा भुन जाएगा तो 2-3 कटे हुए टमाटर, तीखी वाली हरी मिर्ची 2, थोड़ा सा नमक डाल करके भून लेंगे तब तक जब तक कि ये टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए, इसका जूस भी निकलने लगे और आप इसमें स्पैचुला अगर हिट करते हैं तो ये मैश हो जाए, ऐसा पक जाएगा टमाटर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और कुछ भी मसाला नहीं ऐड कर रहे हैं। हाँ आप थोड़ा हल्दी पाउडर डाल सकते हो इनकेस आपको ये पीले चाहिए, मैं येलो नहीं बना रही हूँ। अच्छी तरह से भुन जाएगा मसाला तो इसके अंदर ये अच्छी तरह सोख की हुई चना की दाल अच्छी तरह से धुल लेने के बाद ऐड कर दीजिए। ये कच्ची ही दाल है, उबली हुई नहीं है, बस अच्छी तरह सोख की है कि अगर आप इसे नाखून से तोड़ें तो टूट रहा है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बासमती राइस जो अच्छी तरह धुले और सोक किए हुए हैं, 20-30 मिनट जैसा सोक किया था मैंने। और इसके बाद जितना आपने चावल लिया है उसका 1.5 गुना पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। नमक वगैरह आप चेक कर लीजिए, इसमें और कुछ नहीं मिलाना है, ऐसे ही ये बनते हैं। और इसे आपकी फेवरेट ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, एग चिकन वगैरह खाते हैं तो उसके साथ, अदरवाइज़ फिर रायता या कोई भी ग्रेवी बेस थिक जो ग्रेवी रहती है जिसकी, ऐसी सब्जी के साथ खाइएगा। ये चना दाल पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको बस 1 सीटी दीजिएगा, जैसे ही 1 सीटी आ जाए कुकर की फ्लेम बंद कर दें। और यहाँ हमारे दही वाले आलू लगभग 5-7 मिनट से एकदम स्लो फ्लेम पे पक रहे हैं,
बिल्कुल बढ़िया ग्रेवी मेरे हिसाब से हो चुकी है तैयार। आप इसे जितना पकाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका ऑयल छूटता जाएगा, वो कोरमा जैसा आ जाएगा। तो देख लीजिए उस हिसाब से आप पका लीजिए। मेरे आलू रेडी हो गए, मैंने गैस बंद कर दिया है और इसके बाद सैलड की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो खीरा काट रही हूँ मैं, और ये जो मेरा नाइफ है ना, ये लेटली मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से बच्चों के टिफ़िन में फैंसी कट सैलड रखने के लिए, बट ये एकदम अमेजिंग है, शार्प है। और बूंदी का रायता शानू ने बना के दिया है मुझे, इसमें मसाले मैं कर देती हूँ, मिक्सिंग वगैरह सब अच्छी तरह से वो कर देती है, बिल्कुल बढ़िया तरह से दही वगैरह फेट करके फिर वो तैयार करती है। इसमें मैंने तड़का लगा दिया हींग जीरे का, तो हमारा रायता भी हो गया है रेडी। और यहाँ पुलाव कुकर के अंदर एक सीटी बज गई थी तो मैंने गैस कर दिया था बंद, फिर इसके अंदर जो प्रेशर था वो नेचुरली रिलीज़ हो चुका था तब मैंने खोल दिया था इसका लिड, और 2 मिनट रेस्ट करने के बाद अब मैं इसे फ्लफ कर रही हूँ। और ये चना दाल पुलाव हो चुका है तैयार। ये दही वाले आलू हो चुके हैं रेडी। आप इसका ग्रेवी कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, पर ट्राई ज़रूर देना, ये बहुत ही बढ़िया बनता है। सरसों का तेल अगर खाते हैं ना तो सरसों के तेल में ही बनाइएगा, और भी ज़्यादा इसका टेस्ट जो है उभर कर आता है। और उसके बाद ये है पनीर टमाटर वाला, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप ट्राई करना। इसका कलर तो देखिए, लग ही रहा है कि टमाटर बेस्ड ग्रेवी, एकदम बढ़िया बढ़िया इसका थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है, आप ट्राई करना। हाँ, इसमें थोड़ा सा आप ना वो डाल सकते हैं चीनी के दाने, और फ्लेवर्स बैलेंस करने के लिए। सैलेड भी हो चुका है रेडी, और रायता के अंदर बस मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ हरा धनिया। ठाकुर, बहुत बढ़िया, खा लिया आपने? खा के बताओ, देख बढ़िया लग रहा भाई, तो खुशबू से ही बढ़िया लग रहा है। बच्चों कैसा है, मजेदार? तू बनाएगा? बहुत बढ़िया भैया, शुरू करो ना, चलो। How's the josh? Hi sir, तुम भी खा लो। वाह 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 वाह, क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ तुम भी खा लो। हाँ मैं खाता हूँ, बस 2 सेकंड दो। 1 मिनट। Satisfying. Bro, how's the food man? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अपने खाने की खुद ही तारीफ है। अच्छा लगा? चलो एंजॉय करो, मेरे को तो डकार आई, अभी लोगों ने सुन भी ली होगी। अच्छा ट्राई करना आप, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इधर सब देखो तृप्त बैठे हुए हैं, मम्मी का चालू है, पापा खा चुके हैं, टमी दिख ही रही होगी, बच्चे खत्म करने वाले हैं। मिर्ची निकाल देते हैं, मुझे दे दे।